ये इक्वलाइजेशन वाला गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है ब्रो, मेरी फट गई थी पहले तो। हेलो नमस्ते वालेकुम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मुस्लिम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। आपने जो लास्ट वाला व्लॉग देखा था ये उस व्लॉग का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वाले व्लॉग में हमने बैक रोल किया, पानी के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया पानी के अंदर जाने की। तो अभी पानी के अंदर क्या है ना, हमारी होगी स्किल ट्रेनिंग जो कि आप देखेंगे, क्योंकि पानी के अंदर हम बोल नहीं सकते, इशारों में बात करते हैं और वो इशारा आपको समझ में नहीं आएगा, तो उन इशारों का वॉइस ओवर मैं यहाँ से दूंगा, चित्र आप देखेंगे पानी के अंदर का। शुरू करते हैं। पहली जो ट्रेनिंग थी उसमें BCD निकाल कर वापस पहनना था, जब तक ये शूट हुआ तब तक हमने हमारा BCD निकाल कर वापस पहन भी लिया था, जिस पे अपने को मिला था ओवल नंबर। ओके, पूरा प्रॉपर पहला पड़ाव कंप्लीट। दूसरा जो ट्रेनिंग था उसमें वेट बेल्ट को निकाल कर वापस पहनना था, जैसे ही वेट बेल्ट निकाला गया बैलेंस डगमगा गया, छटपट आने लगे। लेकिन आखिर में आपका मोहम्मद सलीम खान ने बेल्ट को पहन लिया, जिसमें फिर से हमें अव्वल नंबर मिले। अव्वल नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी अव्वल, क्योंकि हम है, बाकी सब पानी कम है। यहाँ पानी ही पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। कभी कभार क्या है कि अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई और तो करेगा नहीं। अगर कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आपको करना ही चाहिए, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम तो अपनी तारीफ करते रहते हैं, आपको भी करना चाहिए। ये एक छोटा सा एडवाइस है, अपने आप से मोहब्बत करने की पहली निशानी। हम अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं इसीलिए हम करते रहते हैं। अब लोग चाहे कुछ भी समझे, हम तो करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एकदम मस्त पे की हमारे विक्रांत भाई फुल ऑन नोट वोट लेके मस्त सब सिखा रहे हैं हमें। ये वाला ट्रेनिंग है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, बिकॉज इसमें हमें मास्क निकालना है, मास्क को हाथ में और पानी के चारों तरफ घूमना है, वापस आके मास्क पहनना है और ओके बोलना है। लेकिन जैसे ही मास्क निकालते हैं सॉल्ट वाटर आंख में जाता है, सब ब्लरी हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। ये भी हमने किया, इसमें भी अव्वल नंबर। बस ऐसे ही छुटके फुटके ट्रेनिंग थे जिसमें आपका MSK अव्वल नंबर पे आया है। उसके बाद फिर थोड़ा दुनिया पानी के अंदर की दुनिया देखने लगे। Oh, what a view, yaar! Yeah. Fully in weight, fully in weight. Feel like I have bowled well, man. Good performance also, Salim bhai. यहाँ से जब प्रेशर दे रहा था तो यहाँ पर तो हो रहा था, बट क्या है कि ना गले के पास से ऐसा कुछ तो मूवमेंट करना पड़ता है, ऐसे समथिंग कुछ ऐसा निकल रहे हो, हाँ सॉलो कर रहे हो, तब जाके वो क्लियर हो रहा था। अच्छा, तो नहीं हो रहा है ना, दैट गोज़ यू गाइस आल्सो यू ऑलरेडी डू स्टीमिंग एंड कम बैक, अदरवाइज यू विल फोर्स इट एंड यू विल रप्चर योर ईयरड्रम एंड ऑल। बट ये इक्वलाइजेशन वाला गेम बहुत स्ट्रांग है ब्रो, मेरी फट गई थी पहले तो। एक कान मेरा ऐसा पेन हो रहा है, मैंने बोला नहीं हो रहा है, फिर मैंने बोला क्या करूं। थोड़ा सा ना वो मेंटल पीस वाला सीन होता है, रिलैक्स करके 2-3 राउंड डीप ब्रीदिंग की करोगे ना ऑटोमेटिकली वो कंफर्ट आ जाता है। बट इधर वेदर विनिंग ऑन पॉइंट थी, स्किल्स भी ऑन पॉइंट थी। नाउ नहीं, अभी ऊपर मत पास करना, बट ये मेरे को दे दो पास, ठीक है। अभी टी करना है ना अपने, सीन ऐसा है डाइविंग आसान काम है, टुस्टू करना डिफिकल्ट काम है, ये कहना चाह रहे हो। बहुत क्रेजी था यार। सी, ये जो गेम है ना, ये पूरा का पूरा इक्वलाइजेशन का गेम है। जैसे मतलब हम ना एक एक मीटर नीचे जाते हैं ना, प्रेशर बढ़ता जाता है और पूरा फील होता है कान में। अगर वो इक्वलाइज नहीं करेंगे ना हम लोग, मतलब मैं जब नीचे गया था फर्स्ट टाइम, मतलब लेफ्ट वाले कान में इतना ज्यादा जोर से पेन हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब क्या करना क्या है, मतलब उधर रुकना है ऊपर आना है। फिर हिम्मत करके मैंने बोला नहीं रुकते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब इतने जल्दी कुछ होने वाला नहीं, ज्यादा डीप नहीं है। फिर कुछ ना कुछ करके वो जो सॉलो करने वाला एक एक्शन होता है ऐसे, वो किया, तब जाके ये खुला, हवा निकली बाहर से, तब जाके इक्वलाइज हुआ। फिर अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हुई, काफी कुछ किया, बहुत मतलब मजा आया करने में। और एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने इन्फ्लेट थोड़ा ज्यादा कर दिया था, तो मैं बहुत फास्ट ऊपर आ रहा था, वो फास्ट ऊपर ना पूरा फील हो रहा था कि भाई अब मेरा सर फट जाएगा ऐसे, तो फिर फट से मैंने उसको डिफ्लेट किया और नीचे आया। तो मतलब अगर अंदर जाना भी है तो स्लो 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 स्लो, आना भी है तो स्लो स्लो स्लो। अगर घबरा के फुल इन्फ्लेट करके ऊपर आने तुम फट जाओगे, हेडशॉट फट जाओगे वैसा। जिस तरह से जमीन के ऊपर एक दुनिया है,
उसी तरह से समंदर के नीचे भी एक दुनिया है, बहुत खूबसूरत है यार, मजा आया देख के, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लाइक मेरे को नाम नहीं पता, पता है मुझे नाम नहीं पता है क्रिएचर्स के, लेकिन देखने में बहुत ब्यूटीफुल, बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार, मजा आया, वापस जा रहे एक बार। और बहुत सारी चीज ऐसी है जो मैं बता नहीं पाऊंगा यार, अपने अंदर है, दिल में। लेट्स गो बड़ी, कैसा मैं देखने में कैसा लगा, छमिया छोड़ के एकदम एकदम कोवी अपने आज के सब पहने ब्रो। No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Bro, अभी हम जो dive कर रहे हैं, वो dive का नाम क्या? So now अभी नहीं 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 वो लोग DSG कर रहे हैं, आपकी ओपन वाटर वन होगी, अभी हम ओपन वाटर टू के लिए जा रहे हैं। सो बेसिकली अब हम करने जा रहे हैं डाइव नंबर टू, पहले वाले में मैक्सिमम डेप्थ गए थे 8 मीटर 9 मीटर, अब इस वाले में मैक्सिमम डेप्थ जाएंगे अप टू 10 12 मीटर। पहले वाले में हम लोग स्किल्स भी कर रहे थे क्योंकि आपने बहुत बढ़िया से करी है, आई मस्ट ऐड, बट ही वाज रियली गुड इन वाटर, थोड़ी लगा था कि थोड़ी फट गई एक मोमेंट पे इनकी, बट ऐसा नहीं था, इन्होंने कंट्रोल करा, दैट इज साइन ऑफ अ वेरी गुड डाइवर, ये अपने आप को काम करना आता है, व्हिच यू डिड, व्हिच इज वेरी नाइस। सो नाउ पॉइंट क्या है कि ये जो सेकंड वाली डाइवर है ये उसमें सिर्फ फील नहीं, क्योंकि स्किल्स वाला पार्ट, हार्डवर्क वाला पार्ट आज आप सुबह के लिए कर चुके हो, ठीक है, और ब्रेकफास्ट भी हमने कम खाई है तो ज्यादा काम कराना नहीं आपसे। द पॉइंट इज नॉट दिस टाइप साइड इज कॉल्ड फिश स्लेट, ठीक है, फिश स्लेट, व्हाई, बिकॉज़ यहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिश है, तो फिश स्लेट इसलिए बिकॉज लिटरली फिश प्लेट कैरी कर रहे हो तो आप टिक कर सकते हो द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ फिश यू विल सी हियर, एंड ये वो वाली जगह है जो कल आप खा के हटे हो वो आज आपको दिखेगा, लॉबस्टर्स भी देखेंगे, लॉबस्टर्स एब्सोल्युटली, सो यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ लॉबस्टर्स हियर, पत्थर के नीचे होंगे वो, ऐसे ऐसे करके टीम निकाल निकाल के देख रहे होंगे आपको, छेड़ना मेड़ना नहीं है, व्हाई अगेन क्यों नहीं छेड़ेंगे हम, क्योंकि कोई हमारे घर आके हमें छेड़ेगा हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, सेम चीज किसी के घर जाके किसी को छेड़ेंगे उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, सो वी विल अवॉइड फिंगरिंग एनीबॉडी, ये सही है, ऑल सेट सेकंड राउंड के लिए, अभी मजे करेंगे, क्या करेंगे, मजे फुल आउट, सीख पाक के स्किल विस्किल सब हो गया, अभी अपना मजे लेने का टाइम, ओके मिलते हैं पानी के अंदर। अरे बाबा पकड़ो आज जा कर रहा हूँ, अरे क्या बात है, उस तरफ लेके जाओ, उस तरफ अरे भाई करंट में डाइव करने में फील है ना, अरे पूरे पैर में करंट है, अभी निकालना पड़ेगा उसको, चल भी नहीं पाऊंगा अभी, मुझे लगता है बहुत ज्यादा करंट आ गया है, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चिकन, गेम ऑन वापस, थोड़ा सा मसाज भी। Shit.
कितना डिस्टेंस था रे? करके आया था ना? पहले बहुत दूर था हाँ। उसके बाद जब से तूने कोशिश करना चालू किया तो उधर ही था। अरे यार तू उधर से हार्डली कुछ मूव हुआ। पानी में चल रहा करंट जिसकी वजह से ना मैं इतना एफर्ट डाल रहा था, एक ही जगह पे था और मेरा पूरा पैर ऐसे करते 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 इतना पेन होने लगा मैंने गिव अप कर दिया। फिर मैं हाथ से कर कर के बट इट इज अ गुड स्पोर्ट। अच्छा स्पोर्ट, अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है। बहुत भूख लगी है और सर भी दुखने लगी है। Welcome to the Bharatpur Beach. How do do? हम लोग जब पोर्ट ब्लेयर से आए थे तो यहाँ पर हमारी जटी रुकी थी और हम यहाँ से वॉक करके जा रहे थे, वहाँ से व्लॉगिंग कर रहे थे एंड देन यहाँ पर एक बीरो लिया था जहाँ पर एक बोट खड़ी हुई थी, शायद यही थी, वहाँ से गेट से अंदर घुसे थे और आज जहाँ पर हमने बीरो लिया था वहाँ से हम गुजर के वापस आ गए। मज़ा है, थोड़ा सा थका, स्पोर्ट्स में थकावट तो होती है लेकिन मज़ा तो आता है। थोड़ा तारीफ, बहुत अच्छा किया सबने। मुझे क्या पता तुम अंडर वाटर क्या कर रहे थे। ओह डोंट बी डिप्लोमेटिक, डोंट बी डिप्लोमेटिक। नहीं स्टार्ट में फटी थी तेरी लेकिन मेरे को लगा था ये पैनिक वैनिक होगा, हुआ नहीं। अच्छा था, एक्साइटिंग था एक्चुअली तुम लोग को देखने। 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, थोड़ा और बोल। अरे थोड़ी देर में मैं भी थक गई हूँ यार, मतलब मैं कुछ भी नहीं करके भी थकते लोग। चलो ठीक है, धूप में बैठी थी सारी दुनिया। ये एक पार्ट है जो ड्राइवर को करना होता है, जो बोझ लेके गए थे वो वापस लाना होता। लाना होता है। ब्रो डोंट टच द डस्ट कैप, नो यू आर होल्डिंग द डस्ट कैप फ्रॉम बिहाइंड नॉट फ्रॉम द फ्रंट। परफेक्ट, दिस इज ऑल सॉल्ट वाटर, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट टू क्लीन इट विद फ्रेश वाटर लेटर। ऑलराइट, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारे चेंजिंग रूम है, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं हम लोग, बात ले सकते हैं, 10 रुपए देना पड़ता है। सामने भी सब है बड़ा, भी वो बंद हो गया, सिर्फ ये पीछे वाला खुला है। बहुत ज्यादा थक गया हूं भाई। प्लान था शाम को कहीं जाने का, अब नहीं लगता कहीं जा पाऊंगा। सबसे पहले तो खाना खाना है, ठीक से कुछ खाया नहीं है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। व्हाट अ डे। इतना थकने के बाद दाल भात पावर 24 आवर। आओ बिस्मिल्लाह करो। टाइम हो रहा है 6:31। नहाया धोया एकदम फ्रेश, मतलब एकदम फ्रेश, बट जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मसल रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सो जाता हूँ मैं। जैसे जमीन के ऊपर एक दुनिया होती है ना, उसी तरह से जमीन के नीचे, समंदर के नीचे, सॉरी जमीन के नीचे बोल रहा हूँ। क्या बोला? 24 hours 1 2 3 24 hours। अबे मेरे को क्या बोलोगे, दाल बाट ये वो, फिर कट्टे बोलेंगे 24 hours। मैंने बोल दिया है। अच्छा वो स्निपेट है ये? हाँ 1 2 3 बोल देने, बोल दिया 1 2 3।